तमाम मुख्यमंत्रियों का, तमाम विशिष्ट अतिथियों का आने का सिलसिला जयपुर में लगातार जारी है। मंच की अगर हम बात करें तो इस वक्त वहां कौन कौन मौजूद हैं? राजनाथ सिंह, एकनाथ शिंदे, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गजेंद्र सिंह शेखावत, तमाम दिग्गज नेता इस मंच पर इस वक्त मौजूद हैं। अल्बर्ट हॉल से आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, राजनाथ सिंह मौजूद हैं मंच पर, बैसला बैठे हुए हैं। शपथ ग्रहण समारोह में तमाम नेताओं को निमंत्रण है। विजया राहटकर भी यहां मौजूद हैं। नितिन गडकरी, गजेंद्र सिंह शेखावत, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, अमित शाह, एकनाथ शिंदे, तमाम नेता इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। थोड़ी ही देर में शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे। वे जयपुर पहुंच चुके हैं, जयपुर एयरपोर्ट से अल्बर्ट हॉल के लिए भी निकल चुके हैं। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे। ये तस्वीर अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश देती है, बीजेपी के विस्तृत होते साम्राज्य को दिखाती है, बीजेपी की एकजुटता को दिखाती है, उन दिग्गजों को बताती है जो इस पूरे साम्राज्य को संभाल रहे हैं। और ऐसा नहीं है, आज भजनलाल शर्मा का मुख्यमंत्री की शपथ लेना ये भी बताता है कि बीजेपी में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। अंतिम पंक्ति में बैठा कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री हो सकता है, और शुरुआत में जिसके कंधों पर पूरी कमान है वो भी मुख्यमंत्री बन सकता है। इस बार तीन राज्यों में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी का ये एक बड़ा प्रयोग है, और हालांकि इसे नया नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बड़े स्तर पर यह प्रयोग है। तीनों ही राज्यों में ऐसे चेहरों को मुख्यमंत्री बनाया है भाजपा ने, जो कहीं ना कहीं तीसरी या चौथी पंक्ति में बैठा करते थे, उनको सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया और मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत किया। आज भजनलाल शर्मा 14वें मुख्यमंत्री के रूप में यह शपथ लेंगे। आपको बता दें भजनलाल शर्मा कौन है। भजनलाल शर्मा सांगानेर से चुनाव जीतकर पहली बार विधायक बने हैं। शर्मा बीजेपी संगठन का अहम चेहरा माने जाते हैं। वो पार्टी के संगठन मंत्री रहे हैं और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के करीबी भी माने जाते हैं। उनके प्रचार के लिए खुद अमित शाह जयपुर आए हुए थे। वो भरतपुर के रहने वाले हैं, उनकी उम्र 56 साल है और आज उनका जन्मदिन भी है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, मेघवाल और तमाम नेता मंच पर मौजूद, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मंच पर मौजूद हैं, बाबा बालकनाथ भी पीछे बैठे हुए हैं। और प्रधान, ये देखिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मंच पर आए और सभी का अभिवादन करते हुए, वासुदेव देवनानी भी मंच पर मौजूद हैं इस वक्त। डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है जन औषधि केंद्र।
विजया राहटकर भी मंच पर मौजूद हैं, राजेंद्र राठौर, किरोड़ीलाल मीणा, जेपी नड्डा, तमाम दिग्गज नेता इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। 14वां मुख्यमंत्री राजस्थान को थोड़ी ही देर में मिलने वाला है औपचारिक रूप से। इसका ऐलान शपथ लेने के बाद भजनलाल शर्मा के पास राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से राजनीति शास्त्र में एमए की डिग्री है। चुनावी हलफनामे में उन्होंने 2022-23 में अपनी कुल आय का ब्यौरा दिया, जिसमें 6,86,660 रुपये बताया। उनकी कुल चल अचल संपत्ति 1.4 करोड़ के आसपास बताई गई। शर्मा ने सांगनेर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज को 48,081 वोटों से हराया था। उन्हें कुल 1,45,162 वोट मिले थे। वो लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी आरएसएस और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे हैं। ये बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं और राज्य में बीजेपी की जो चुनाव प्रबंधन टीम थी उसका ये हिस्सा भी रहे हैं। इन्होंने बीजेपी के पिछले 3-4 प्रदेश अध्यक्षों के साथ काम किया है। सांगनेर सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। ये सीट जयपुर जिले में आती है और यहाँ से सिटिंग विधायक अशोक लाहौटी का टिकट काटकर पार्टी ने भजन लाल शर्मा को टिकट दिया था। इस सीट पर बीजेपी की जीत तय मानी जा रही थी। अशोक लाहौटी को वसुंधरा राजे का समर्थक माना जाता है। लाहौटी का टिकट काटने से नाराज उनके समर्थकों ने बीजेपी कार्यालय के बाहर नारेबाजी भी की थी। बीजेपी ने इस बार ब्राह्मण चेहरे पर भरोसा जताते हुए भजनलाल शर्मा को सूबे का नया मुख्यमंत्री बनाया है। दिया कुमारी डिप्टी सीएम की शपथ लेंगी।